प्लीज सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दर्शन शास्त्र पार्ट टू ऑनर्स वाले के लिए पेपर फोर पढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे सामने, बर्कले भौतिकवाद का खंडन किस प्रकार करते हैं। हाउ बर्कले रिफ्यूट्स मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म को कैसे वो हटाते हैं, खंडन करते हैं, उसका चर्चा करना है। तो हम लोग चलते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। डेकार्त और लॉक ने अपने ज्ञान मीमांसा में स्वीकार किया था कि मानव ज्ञान से परे भौतिक पदार्थ को स्वतंत्र सत्ता मानता है, कि मानव जो है अपने ज्ञान अलग चीज है और भौतिक सत्ता जो है, जो मटेरियल है, वो अलग चीज है। वे लोग यह भी मानते हैं कि मानव ज्ञान के अंदर विद्यमान प्रत्यय भौतिक पदार्थ की नकलें या प्रतिलिपियां है, यानी बाहर में जो वस्तु है उसी का हमारे अंदर एक इमेज बनता है। जैसे कि घड़े की बात करते हैं, हमारे सामने एक घड़े का फिगर दिमाग में आ जाता है। कार की बात करेंगे, मोटरसाइकिल की बात करेंगे, जिस वस्तु का हम नाम रखते हैं तो उसका एक फिगर हमारे मन में बन जाता है। तो वस्तु वास्तव में है या वो सिर्फ प्रत्यय है, इस पर चर्चा हो रही है। तो वो मानते हैं कि हमारे अंदर जो विद्यमान भौतिक पदार्थ की नकल है या प्रतिलिपियां हैं, वही है बाहर में। यह प्रतिलिपि सिद्धांत यानी रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी कहलाता है। बर्कले जो हैं, ये भौतिक पदार्थ की सत्ता का खंडन करते हुए कई युक्तियों का सहारा लेते हैं कि भौतिक पदार्थ नहीं होते हैं। उनके द्वारा युक्ति क्या क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। पहला है प्रतिलिपि सिद्धांत यानी रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ आइडियाज। ये दोषपूर्ण है, ये कहते हैं ये जो आइडियाज है ये दोषपूर्ण है। यदि हम केवल प्रत्ययों को ही साक्षात रूप से जाने और भौतिक पदार्थ का साक्षात ज्ञान न हो, हम गाड़ी की बात करें, फिगर हम अपने दिमाग में बनाए और वास्तविक दुनिया में वो न हो, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि हमारे प्रत्यय भौतिक पदार्थों की सही या गलत नकलें हैं। कैसे हम जानेंगे कि हमने जो सोचा है, जो हमने कल्पना की है, वो सही इमेज का कल्पना है या गलत है। इसका मिलान तो जरूरी है, बाहरी दुनिया में होना जरूरी है। लॉक तथा डेकार्त की उपकल्पना के अनुसार जब भौतिक पदार्थ का साक्षात प्रत्यय नहीं होता, तो फिर इसका नकल के साथ मिलान कैसे किया जा सकता है। साक्षात प्रत्यय होना जरूरी है, इसलिए प्रतिनिधि सिद्धांत पर आधारित भौतिक पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि डेकार्त और लॉक का कहना है कि प्राथमिक ज्ञान यानी प्राइमरी जो क्वालिटीज होते हैं, प्राइमरी गुण यानी प्राथमिक गुण भौतिक पदार्थों में पाए जाते हैं, और गौण गुण जो होते हैं, सेकेंडरी क्वालिटीज, वो अनुभवकर्ता या ज्ञाता पर निर्भर करता है। भौतिक पदार्थ को यहाँ प्राथमिक गुणों का आश्रय माना जाता है। बर्कले प्राथमिक और गौण गुण के भेद को ही समाप्त कर देते हैं कि दो तरह गुण नहीं होते जिन पर भौतिक पदार्थ आश्रित होते हैं, इसलिए वे कई तर्क देते हैं। अब इनका क्या तर्क है देखते हैं। प्राथमिक और गौण गुण जो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों गुण सदैव साथ रहते हैं, इनमें एक दूसरे को पृथक हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी विस्तार बिना रंग के नहीं हो सकता और कोई भी रंग बिना विस्तार के नहीं हो सकता। प्राथमिक गुण सदैव गौण गुणों को साथ में रखे रहते हैं, साथ में लिपटे रहते हैं, और दोनों सम जाती है, एक साथ ही उत्पन्न होता है, दोनों में भेद लाना अनुचित है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी गुण एक साथ रहते हैं। दूसरा है तथाकथित प्राथमिक गुण मन पर वैसे ही आश्रित है जैसे गौण गुण मन पर आश्रित होते हैं। जिस प्रकार रंग, गंध, स्वाद आदि गौण गुण मन के प्रत्यय हैं, ठीक उसी प्रकार विस्तार, आकार, संख्या, गति आदि प्राथमिक गुण भी मन पर ही आश्रित है। इसको
वस्तु पर सिर्फ नहीं मान सकते हैं। एक मील की दूरी पर एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी दूर है। एक मील दूरी पर कोई वस्तु है तो छोटा बच्चा जो चलने में सक्षम उतना नहीं है उसके लिए वह बहुत दूरी है, लेकिन किंतु किसी जवान के लिए यह कोई दूरी बहुत लंबी नहीं है। इसी प्रकार एक ताप मापक छड़ी किसी के लिए एक मेज है, किसी के लिए 3 फीट है और किसी के लिए 36 इंच है। अतः प्राथमिक गुण भी मन पर आश्रित होते हैं, यानी हम मीटर की बात कर रहे हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग उसको बोल सकता है मापक को। अगला है कि प्राथमिक गुण भी गौण गुण की भांति ही हमारे मन के प्रत्यय हैं। फिर नेक्स्ट कहा गया कि प्राथमिक और गौण दोनों प्रकार के गुणों का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। इस प्रकार दोनों के जानने की विधि भी एक ही होगी। वास्तव में हमें विस्तार, आकार, संख्या आदि प्राथमिक गुणों की कोई संवेदना नहीं होती है। जब भी हमें इनका ज्ञान होता है तो प्रत्यय के रूप में होता है। अतः बर्कले के अनुसार सभी गुण जो होते हैं वो गौण कहे जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसका प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है, उसका हमको प्रत्यय का ज्ञान होता है। इसी प्रकार प्राथमिक और गौण गुणों के अंतर को मिटाकर बर्कले भौतिकवाद की आधारशिला ही नष्ट कर देते हैं। भौतिक पदार्थ का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान हमको नहीं होता है। लॉक का कहना है कि भौतिक पदार्थ जो होते हैं वो अज्ञात होने के कारण इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां क्या जानती है तो उसके गुणों को जानती है, भौतिक पदार्थ को नहीं जान पाती है। यदि हमें जड़ पदार्थ की का संवेदना तथा आत्मनिरीक्षण द्वारा प्रत्यय हो भी तो यह रंग, स्वाद, गंध आदि हो जाएगा। यानी वस्तुओं का हमको गंध पता चलता है, रंग पता चलता है, आकार पता चलता है, विस्तार पता चलता है, वस्तु क्या है ये पता नहीं चलता है। यदि भौतिक पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो तो यह संवेदनाओं सेंसेशन की भांति परिवर्तनशील एवं क्षणभंगुर होगा, किंतु यह जड़ पदार्थ को साधारणतः नित्य यानी हमेशा रहने वाला इटर्नल एवं अस्थायी माना जाता है। हम मान लेते हैं कि जड़ पदार्थ अस्थायी है, लेकिन वह अस्थायी नहीं होता है, इसलिए जड़ पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यदि इसका प्रत्यक्ष भी हो तो यह प्रत्यय हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा। प्रत्यय मानसिक है, इसलिए भौतिक पदार्थ भी मानसिक हो जाएगा। इस प्रकार मन से स्वतंत्र सत्ता के रूप में भौतिक पदार्थ को सत्य नहीं माना जा सकता कि मन से अलग कोई सत्ता है, क्योंकि हम मन के द्वारा ही उसको जानते हैं, प्रत्यय के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है कि भौतिक पदार्थ को अनुमान द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष से तो नहीं जान सकते हैं, अनुमान के द्वारा भी नहीं जान सकते हैं। कैसे? यदि पदार्थ भौतिक पदार्थ जो है अनुभव द्वारा ज्ञात हो तो इसे प्रत्यय के समान होना चाहिए, जैसे प्रत्यय होता है वैसे ही इसका ज्ञान होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि भौतिक पदार्थ अपरिवर्तनशील कहा जाता है, यानी भौतिक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता ऐसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यय अनुभूत विषय हैं, जैसी अनुभूति वैसा प्रत्यय होता है, किंतु भौतिक पदार्थ अनुभूत नहीं कहे जा सकते कि अनुभूति उसकी होती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जैसा लॉक का विचार है इसलिए भौतिक पदार्थ का अनुमान हम प्रत्ययों के समान नहीं कर सकते हैं। प्रत्यय और भौतिक पदार्थ दोनों अलग हैं, इसलिए प्रत्यय को हम जिस तरह से अनुमानित कर लेते हैं उसी तरह भौतिक पदार्थों का अनुमान हम नहीं कर सकते। फिर यदि भौतिक पदार्थ का अनुमान अगर संभव है तो यह कहा जा सकता है कि यह प्रत्ययों का उत्पादक है। भौतिक पदार्थ का मतलब प्रत्यय का उत्पादक, प्रत्यय उत्पादन करने वाला, काउज ऑफ आइडियाज है। किंतु यह तर्क भी निराधार है। भौतिक पदार्थ अभौतिक प्रत्ययों का कारण बन सकता है। बर्कले के अनुसार भौतिक पदार्थ निष्क्रिय है, मानते हैं कि निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करता है, इनर्ट, पैसिव एंड इनएक्टिव है। केवल सक्रिय सत्ता ही उत्पादक हो सकती है, उत्पादन तो सक्रिय सत्ता करेगी। जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ तो निष्क्रिय है,
तो उत्पादन वो कैसे करेगा। इसलिए निष्क्रिय भौतिक पदार्थ प्रत्ययों का अनुमति उत्पादक नहीं कहा जा सकता कि अनुमान के द्वारा उत्पादन होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगला पॉइंट है कि अब यह तर्क दिया जा सकता है कि भौतिक पदार्थ यदि प्रत्ययों का उत्पादन नहीं करता है तो इसे प्रत्ययों का निमित्त कारण क्यों नहीं कहा जा सकता, किसके कारण होता है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज क्यों नहीं कहा जा सकता। तो यह तर्क भी निराधार है क्योंकि निमित्त कारण की वहां आवश्यकता पड़ती है जहां स्वतंत्र संकल्प से कार्य उत्पन्न न हो, किंतु ईश्वर का संकल्प मात्र यहां पर किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर सिर्फ संकल्प कर लेगा, सोच लेगा कि हमको ये करना है तो वो उत्पन्न हो जाएगा, तो अलग से निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भौतिक पदार्थों का प्रत्ययों के निमित्त कारण के रूप में अनुमान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इसे क्यों नहीं प्रत्यय उत्पादन में प्रसंग मात्र मान लिया जाए कि साथ में बस आकस्मिक रूप से अकेजन के रूप में साथ साथ हो गया, प्रसंग मिल गया। यह तर्क भी भौतिक पदार्थ को अनुमान का विषय प्रमाणित करने में असमर्थ है। यदि भौतिक पदार्थ जो है प्रत्ययों के उत्पादन में प्रसंग मात्र भी होता तो इसे अज्ञात, निष्क्रिय एवं निर्गुण पदार्थ कहा जा सकता है। इस हालत में बिना गुण के किसी द्रव्य को मानना उचित नहीं होगा, ये अनुचित होगा। किसी गुण को बिना द्रव्य के मानना है, बिना द्रव्य का, बिना पदार्थ का कोई गुण मान लेना जितना अनुचित है, उसी तरह से यह भी अनुचित होगा। इस अज्ञात, निष्क्रिय एवं निर्गुण पदार्थ को शून्य से अधिक नहीं कहा जा सकता। जो अचानक मिल जाए उसके बारे में क्या गुण कहा जा सकता है। यह शून्यतम भौतिक पदार्थ प्रत्यय उत्पादन में प्रसंग मात्र भी नहीं माना जा सकता। अतः भौतिक पदार्थ का ना तो प्रत्यय हो सकता है और न ही इसका, यानी प्रत्यय के रूप में नहीं हो सकता है ये, और ना ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है, यानी प्रत्यक्ष भी नहीं, अनुमानित भी नहीं। भौतिक पदार्थ धार्मिक, नैतिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अनुपयोगी है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञात, निष्क्रिय एवं निर्गुण पदार्थ की धारणा शून्यवत धारणा है। जैसे शून्य की धारणा है उसी तरह से इसकी धारणा भी शून्य की तरह से है, यानी जड़ पदार्थ का धारणा बर्कले की नज़र में शून्यवाद की तरह से है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।